हेलो फ्रेंड्स, biharrecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट बादाम मूँगफली दाने की चटनी बनाने की विधि बताऊंगी। तो देखिए, हम मूँगफली दाना लिए हैं, थोड़ा सा चना दाल लिए हैं, एक चम्मच, एक छोटी चम्मच, दो तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए, दो यहाँ हम हरी मिर्च, एक लाल मिर्च, थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया लिए हैं और थोड़ा सा यहाँ पत्ता गोभी लिए। इससे बहुत ही लाजवाब चटनी बनेगी, जिसे आप इडली और डोसा या ऐसे भी खा सकती हैं दाल चावल के साथ। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी में जो है थोड़ा उबाल आ जाए तो आप इसमें टमाटर और मूंगफली दाना, चना दाल और पत्ता गोभी, मिर्च को अच्छे से उबाल लीजिए। थोड़ा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट करना है ताकि मिक्सी में अच्छे से ये पीस जाए। तो देखिए, टमाटर, पत्ता गोभी और ये सब कुछ थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में, थोड़ा ठंडा हो करके इसके बारीक पीसेंगे। तो देखिए, सभी चटनी की सामग्री को हम मिक्सी जार में डाल लिए हैं। इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हम इसमें ये आमचूर पाउडर है वो डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके इसको फाइन बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। चटनी को तीखा, नमक और जो है पानी गाढ़ा पतला अपने आवश्यकता के अनुसार रखिए, जितना आपको पसंद हो इसको बारीक पीस लेना है। तो देखिए, चटनी बनके बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा हम इसको तड़का दे देंगे राई और मिर्च से। आपके पास कड़ी पत्ता हो तो उससे भी आप तड़का दे दिए। बहुत ही टेस्टी चटनी बना हुआ है, इसको आप खाइए, इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देख करके आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल बिहार रेसिपी सीमा तिवारी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको चटनी की रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।